सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो सकता हूँ, एकदम से बढ़िया होंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ घूगर, क्योंकि वहाँ पे एक स्किन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मैं उनके पास अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूँ। तो उनके पास जाने का मैं अपना रीजन बता देता हूँ क्या क्या रीजन है, क्योंकि मेरे जो हेयर फॉल है बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी चलता मैं सीधा घूगर, वैसे तो मैंने देखा नहीं कहाँ पे है डॉक्टर, तो वहाँ पर जाऊँगा और पूछूँगा कि कौन सा डॉक्टर कहाँ पे है सब वगैरह। तो टाइम ना वेस्ट करता हूँ, मैं आपको सीधा बाइक पर। अभी आ चुका हूँ मैं मेन हाईवे पे। मेन हाईवे पे राइड करने का ही मजा कुछ हो रहा है यार, बहुत ही अलग मजा आता है यहाँ पे राइड करने का। तो सड़क का काम लगा हुआ है शायद, मेरे को लग रहा है सड़क जो इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर रहे हैं। इनका काम यार बहुत ही रिस्क होता है, देख ही सकते हो कितनी गाड़ी स्पीड में जा रही है। अभी बंदे काम कर रहे हैं, अगर जरा सा ध्यान भटका और रोड से बाहर आए तो सीधा यार एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो मौसम जो पूरा बारिश वाला रखा है, और कभी बारिश हो रखी है तो मैं यहाँ से यार टर्न ही ले लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा तो सीधा सुभाष चौक पहुँच जाऊँगा। तो यार मेरे को भी प्रॉपर पता नहीं है कि दुकान कहाँ पे है, तो पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। आज तक मैं कभी उस शॉप पे गया नहीं हूँ डॉक्टर के पास, पता नहीं यार कहाँ पे है। तो फाइनली आज मैं पहुँच चुका हूँ उसके बाहर, एंड आप देख सकते हो दुकान वगैरह बंद है। तो यहाँ पर कुछ टाइमिंग वगैरह लिख रखी है, तो अभी शॉप है बंद, तो मैं जा रहा हूँ घर, एंड घर में रेस्ट वगैरह करते हैं, देखते हैं कैसी रहता आगे। तो आज यार काम वगैरह हुआ नहीं, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं फुल पावर। तो सारे यार किए किराए पे पानी फिर गए, मैं सोचता था कि सारा काम वगैरह आज हो जाएगा, बट नहीं हुआ। और यार कुछ डॉक्टर की टाइमिंग मेरे को सही नहीं लगी यार, 2 बजे आना, 5 बजे चले जाना, बीच में एवरी मंडे को छुट्टी करना, एंड सेकेंड एंड फोर्थ ट्यूजडे को भी छुट्टी करना। तो पता नहीं यार क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई सीन नहीं, अपने अपने फंडे अपने सभी को क्या बोले। तो भाई जिस सीन से मैं डर था भाई सीन हो रहा है, तो हल्की हल्की बारिश जो है लगने शुरू हो चुकी है, और बिल्कुल हल्की हल्की लगी है, इतनी सी लग रही है तो कोई सीन नहीं, मैं तो घर चला जाऊंगा। और इससे अगर ज़्यादा लगी फिर तो यार मेरे को कहीं रुकना ही पड़ेगा। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर के अंदर, और लाइट को ऑन किया तो लाइट तो है नहीं, तो काफ़ी अंधेरा रखा है कमरे में, आप देख सकते हो। सो मेरे को भीगने का टेंशन अपने आप की नहीं थी, मेरे को बैग बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें मैं देख सकते हो लैपटॉप वगैरह डाल रखा है, एंड एक ये है स्पीकर एंड चार्जर एंड केबल्स, काफ़ी इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो उसको भीगने का मेरे को टेंशन था। बाकी अगर मैं खुद भी कहता हूँ मेरे को इतना टेंशन नहीं होती। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर, बाहर तो काफ़ी रोशनी है वहाँ पे, और मोम का भी रिएक्शन लेते कि मोम क्या बोलती है, मैं स्किन के डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर वगैरह मिले, तो वो मोम भी बोल रहे थे कि घरेलू कोई उपाय कर तो आपके बाल ना झड़े। तो मोम से पूछते कि ऐसी रहता है, हाँ पालनपुर के है, पालनपुर ए श्रेणी है कुछ हो ही है, हाँ। तो मैं स्किन वाले डॉक्टर गया, हाँ तो डॉक्टर के मिलना नहीं मिलता, सोमवार बंद है ना, दूजा चौथा मंगलवार, 2 से 5 बजे मिलता है डॉक्टर वगैरह, कुछ देसी इलाज करने के लिए, तो वो भी करके देख लेते हैं, या काफी बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या सीन रहता है। सो कोई सी नहीं, अभी तक सोनी वगैरह आई नहीं है, बच्चे वगैरह आए नहीं है, तो उनको लेने भी जाना है मेरे को नगरी, सो उनका कॉल आएगा तो ही जब मैं पाऊँगा। तो आज एक बार मौसम चेक करो यार, कितना धुआं रखा, देखे कैसे पेड़ लहरा रहे हैं यार, बहुत ही भयंकर वाली हवा लग रखी है। सो यार मैं भी बाहर डर रहा हूँ काफ़ी हवा से, क्योंकि यार तीर वगैरह ऊपर से गिरती रहती है। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो अभी का सीन कुछ ऐसा गाइस कि कल शाम से बारिश हो रही है, और बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, और राइड करने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि व्यू कैसा है, और ठंड भी काफ़ी हो रखी है बाहर, तो चलो बाहर का व्यू दिखाता हूँ एक बार। यार मैंने तो बहुत कुछ प्लान बना के रखा था कि यहाँ वहाँ घूमने जाऊँगा, बट बारिश के चलते कुछ भी कर नहीं पाया, और आप देख सकते यहाँ पर कितना यार बारिश में पानी पानी हो रखा है। तो छत तो यार कहाँ चला गया हवा से उड़ के, छत को भी साइड में करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ रख देता हूँ, एंड व्यू चेक करो गाइस, व्यू काफ़ी पानी इकट्ठा हो रखा है बारिश के चलते, और जस्ट अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, तो मैं मार्केट वगैरह गया था, वहाँ पे कुछ सामान वगैरह लाया खाने पीने का, एंड
अभी देखता हूँ थोड़ी देर के बाद मेरे को निकलना पड़ेगा पानपुर, क्योंकि ड्यूटी का भी सीन रहेगा 2 बजे। तो मैं ये सोचता हूँ कि जा के पहले पहले चला जाता हूँ ड्यूटी, और अगर बस में गया तो फिर भीगता हुआ जाऊँगा, और मेरे को अच्छा लगेगा यार, क्योंकि पूरा कपड़े वगैरह भीग जाएंगे। घर वाले तो बोल रहे हैं कि दोपहर का खाना वगैरह खा के जाए, बट मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बारिश का सीन मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ से जल्दी से निकलूँगा। तो बड़ी सिस्टर का फोन आ रखा है मोम को, और मोम कर रही है सिस्टर से बात। तो अंदर जाके एक आपको सीन दिखाता हूँ गाइस। तो बात करिए मोम, तो देख ही सकते हो इतनी यार गर्मियाँ शुरू हो रखी है, और यहाँ पे मौसम हो रखा ठंड एकदम से। तो मोम ने ओढ़ रखा है कंबल, आप देख ही सकते हो यार। अभी मई महीना चला हुआ है, और इस टाइम तो बहुत ही काफ़ी गर्मी होती थी, बट हिमाचल में पता नहीं क्या सीन चला हुआ, बिल्कुल सर्दी वाला मौसम रखा है, और ऐसा लग रहा है कि जैकेट कोटी वगैरह निकालने पड़ेगी, स्वेटर वगैरह हमें। और आधी मेरे को देख रहा है बाहर से, पर मैं इसका दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि ये बहुत ही शरारती यार। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओ देखो 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 कैसे खोल लिया इसने दरवाजा। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है, मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर के बाद। फाइनली गाइस मैं हो चुका हूं रेडी ड्यूटी के लिए, और मैं यहां से निकला फुल पावर, क्योंकि बारिश का सीन है, वो बारिश कभी भी हो सकती है। तो अभी तो फिलहाल बारिश बंद है, तो मैं यहां से जल्दी से निकल लेता हूं पतली गली। तो चेक करो गाइस यहां पे जादू रखा है, यहां पे रोड देखी जाते बिल्कुल सूखा है यार, यहां पे बारिश हुई नहीं सुबह से, और रोड की हालत देखते हो बिल्कुल सूखा है।